स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल एस2टी में। आज के शो साइंस थर्सडे में हम बात करेंगे ट्रॉली बसेस के बारे में, तो आइए जानते हैं। तो ट्रॉली बस को समझने से पहले आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आइडिया और उसकी हिस्ट्री क्या है ये समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि ये जब जिस टाइम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी कि 1850 से 1900 अर्ली 1900 के आसपास जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो रहा था, शहर बनने लगे और शहर में काफ़ी लोग आने लगे, ठीक है, शहर में आ गए, काम करने लगे। जनरली उस टाइम लोग वहीं काम करते थे जहाँ रह रहे थे, मतलब जैसे मान लीजिए आपका कोई दुकान है तो आप दुकान के ऊपर रह रहे थे, आपका दुकान है तो दुकान के पीछे रह रहे थे, फैक्ट्री है तो फैक्ट्री के सामने वाले रोड पर आपका घर था। तो स्टार्टिंग में तो कोई इतनी दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे फैक्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ता गया ऐसा होने लगा कि लोग फैक्ट्री को 24x7 चलाने लगे, यानी दिन भर चलाने लगे शिफ्ट बदल बदल के। तो दिक्कत ये हो रहा था कि लोग जो रह रहे थे सामने वो ना सो पा रहे हैं, प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, उनका तबीयत खराब होने लगा, मरने लगे काफ़ी हज़ार लोग। उस टाइम ये बड़ी बात नहीं थी, मतलब फैक्ट्री में काम करना मतलब बहुत जल्दी ऊपर जाने का रास्ता ही था। तो किसी को आइडिया ये आया कि ठीक है हम ऐसा करते हैं कि फैक्ट्री सबको एक जगह रखते हैं, मतलब जिसको आप लोग कहते हैं ना एरिया, ये फैक्ट्री वाले एरिया को एक अलग बना देते हैं, लोगों को कहीं दूर रखते हैं। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि मतलब जो लोग रह रहे हैं वो ज़्यादा लंबा जी पाएंगे, क्योंकि जिस टाइम वो घर आ गए, जैसे मान लीजिए 10 घंटे काम किए या 12 घंटे काम किए, आए जो 11 घंटा रह रहे हैं उस टाइम शांति वाले एरिया में है, उस जगह पे हवा साफ है, आराम से उनका बॉडी रिकवर करेगा और वो ज़्यादा लंबा जिएंगे, काम भी अच्छा से करेंगे। तो सब मिला के यही सब बन गया, ठीक है वो कर तो दिए, लेकिन आप समझ लीजिए मैं कब की बात कर रहा हूँ, जिस टाइम ना घोड़ा गाड़ी किसी को और कुछ है नहीं, तो अब तिगड़म ये बन गया कि घोड़ा गाड़ी तो सब अफोर्ड नहीं कर, सिर्फ राजा महाराजा कर पाते थे या बहुत अमीर बिजनेसमैन कर पाते थे। तो कैसे करके इतने सारे लोगों को, मतलब समझ रहे कई हज़ार लोगों को इधर से उधर करें। रेलवे तो आ गया था लेकिन रेलवे मतलब शहर के अंदर नहीं चलाया जा सकता। इन किसी को ये आइडिया है कि रेलवे का मेन रीज़न इसलिए है कि रेलवे चलता है क्योंकि मेटल के चक्के, और अगर मेटल के ट्रैक पे यानी कि पटरी जो होता है मेटल का चक्का मेटल की पटरी पे बहुत कम ताकत लेता है चलने के लिए, मतलब आपको अगर एक बार स्टार्ट कर दिए तो आप खींच सकते हैं, मतलब ये इतना आसान होता है कि जैसे एक आदमी जो है अगर आप उसको बोलिए नॉर्मल रबड़ का चक्का लो और उसको मतलब ठेलो एक वजन को तो वो सिर्फ 100 किलो ठेल पाएगा, अगर इस पे आप पटरी मेटल के पटरी पे मेटल का चक्का लगा के ठेलने बोलिए 1 टन ठेल देगा। तो हिसाब ये बनाया गया कि ट्राम सर्विस बनाया गया जिसमें किसी को आइडिया है कि ठीक है पटरी जो है मतलब पटरी जो है वो आप रख दो इसमें रोड में धंसा के रख दो, ठीक है बहुत बढ़िया कोई दिक्कत नहीं, तो यार रोड में उतना कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उस टाइम कुछ इंजन उंजन था नहीं उतना, मतलब था लेकिन समझ लो स्टीम इंजन बहुत बड़ा और भारी था तो वो सब कर नहीं किया जा सकता था। तो ऐसे कहिए सो घोड़ा से खींचते हैं, तो हिसाब ये बना कि 2 घोड़ा 20 से 22 आदमी तक को आराम से खींच पाता था और इससे ज़्यादा स्पीड पे घोड़ा भी ले जा पा रहा था, घोड़ा भी थक नहीं रहा था और आराम से सस्ते में काफ़ी लोग को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाना संभव हो गया। तो ट्राम की शुरुआत हो गई, ठीक है, और ट्राम को आगे बढ़ाने के बाद जब इलेक्ट्रिसिटी आने लगी, जब डीसी मोटर्स का इन्वेंशन हो गया प्रॉपर से, मतलब हाई टॉर्क मोटर, तो ट्राम चल गया, ये कलकत्ता में आपको अभी भी देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ने लगा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बढ़ते जा रहा था कहीं कहीं जगह पे ये दिक्कत हो रहा था कि जगह बहुत उबड़ खाबड़ है, मतलब बहुत ऊपर है बहुत नीचे है, जैसे कि तो वहाँ पे ये इस्तेमाल किया कि केबल कार का इस्तेमाल करने लगे। केबल कार का ये मतलब होता है कि क्योंकि मेटल का पटरी पे अगर आप मेटल चक्का लगा रहे हैं सब चीज़ बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आपको वो चढ़ाई पे चढ़ना है वो चढ़ेगा ही नहीं, फिसल जाएगा, और अगर नीचे अगर आप उतर रहे तो अगर ब्रेक ढंग से नहीं लगाए तो गए। तो वो सबको संभालने के लिए इन्होंने क्या किया कि तीसरा पटरी जैसा खोद दिया बीच रोड में, उसमें रस्सी चल रहा है मतलब स्टील का फर्स्ट पुश रस्सी, उसको मतलब चढ़ान पे उसका एक मोटर उसको चलाया जा रहा है और ये जो केबल कार्ट कार है वो बस उस पर ब्रेक लगाती है, मतलब रस्सी को जैसे पकड़ती है आगे बढ़ने लगती है, जैसे ब्रेक दबाना होता है तो वह उसको खोल दिया जाता है, रस्सी घूमने लगती है। तो ऐसे ऐसे करके ये सब चढ़ता है, तो आप ये मत समझिए कि मेटल के चक्के पे आप चढ़ान चढ़ सकते नहीं चढ़ सकते। तो ये था आइडिया कि मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाना है और ज़्यादा लोगों को ले जाना है, ये बात पर ध्यान रखिए। तो ट्रॉली बसेस जो था इसमें आया कि ट्राम में आप तो देखते होंगे ट्राम में ऊपर में सिर्फ एक ही तार होता है, वो एक तार लाइव होता है, ट्रेन में भी आप देखते होंगे ट्रेन हो चाहे मेट्रो, मेट्रो में तो थर्ड रेल होता है तो वो भी एक ही होता है। तो तिगड़म ये है कि उसको हमेशा लाइव बनाया जाता है यानी कि पॉजिटिव यानी कि गर्म जिसे कहते हैं, तो ठीक है वो पॉजिटिव है लाइव वायर है, न्यूट्रल का काम पटरी करती है, तो ठीक है उससे और इसको मिला के आप सर्किट चला सकते हैं, मतलब अगर आप एक बल्ब लटका देते हैं उस पर वो बल्ब जलेगा नहीं जब तक आप उसका न्यूट्रल जो है मतलब जो ठंडा उसको ज़मीन पर नहीं डाल देते या उसको मतलब पटरी पे नहीं सटाते। तो इस कारण से
किसी को ये आइडिया है कि पटरी हटा देते हैं, तो पटरी हटाने के बाद तिकड़म लगाया गया, ठीक है पटरी हटा दिए, और इससे फ़ायदा ये था कि पटरी मतलब रोड में बनाना बहुत महंगा पड़ता है, तो ये सस्ता और सिंपल आइडिया निकाल दिया कि बस को ही लो और बस को ही तिकड़म लगा दो, ठीक है। और ये बहुत पुराना है, मतलब आप आइडिया समझिए, ये जो आइडिया है इलेक्ट्रोमोटिव जिसको कहा जाता है, ये 1880s के आसपास बनाया गया था, तो समझ लीजिए बहुत पुराना आइडिया है। और ये सब चलाया जाता था 1980s तक, तो इसी का बोलबाला था, मतलब मेट्रो और ट्राम से ज़्यादा यही सब चलते थे। अपने पीक में ये 600 शहर में थे, तो और ये तो एक मैं आपको दिखा रहा हूँ, नेपाल में चाइना ने उनको गिफ्ट दिया था इस तरह का, ये बोलते हैं ट्रॉली बस का गिफ्ट दिया था। तो मतलब टेस्टिंग के मामले में कितना पुराना क्या ये टेस्टेड है, इससे टेस्टलेस तो सिस्टम ही नहीं मिलेगा, समझ लीजिए। और ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बहुत होता है, तो इसका मतलब आप ये समझिए, जैसे बैंगलोर में आप रहते होंगे या जहाँ आपको पता है दिल्ली विल्ली में जो एसी वाली बस होती है वो बहुत तेल खाती है, ठीक है, तेल तो खा रही है ठीक है, लेकिन आप समझते हैं वो कितना प्रदूषण पैदा कर रही है, और प्रदूषण का आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि इंजन जो उस पर बनाया गया उसको ज़्यादा अच्छा बना नहीं सकते। तो ठीक है, आप ऐसा कीजिए कि उसे इंजन हटा दीजिए, इंजन की जगह मोटर लगा दिया, तार का तिकड़म कर दिया, अब एक जगह पे आपको बिजली बनाना है, ठीक है। अब पावर अगर आप एक जगह पे बनाते हैं तो उसका आप बड़ा इंजन लगा सकते हैं, आप जितना बड़ा इंजन लगाएंगे उतना ज़्यादा इफिशियंट इंजन हो जाता है। आप बहुत बड़ा अगर इंजन लगा रहे हैं तो आप उस पर खर्च कर सकते हैं, मतलब आप एक गाड़ी पर उतना खर्च नहीं कर सकते क्योंकि आपको गाड़ी से पैसा वापस चाहिए, ये पावर प्लांट बिजली बेच रहा है, तो बिजली में आपको जितना कम तेल में ज़्यादा बिजली बचेगा उतना फ़ायदा होगा। तो एक एग्जॉस्ट एक चिमनी है, उसको साफ करना बहुत आसान हो जाता है, प्रदूषण घट गया। दूसरा, ये सब जब आपके बगल में खड़ा रहेगा आपको आवाज़ सुनाई नहीं देगा, मतलब आवाज़ ही सब बहुत, बस सब तो बहुत भारी आवाज़ करता है, आजकल में तो खूब सारे कैटलिटिक कन्वर्टर लगा दिए जाते हैं ताकि आवाज़ पागल ना कर दे, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं भारी आवाज़ होता है, आवाज़ का प्रदूषण कम हो गया। और उतने सारे छोटे छोटे इंजन जो है, जैसे मतलब कोई भी पावर प्लांट ज़्यादा साफ बिजली देता है, सस्ता भी देता है। और इसका एक फ़ायदा ये होता है कि पावर प्लांट जो है जनरली आपका अपना होता है, जैसे मान लीजिए देश के बारे में बात कर रहा हूँ, नेपाल हो चाहे भूटान हो चाहे इंडिया हो चाहे मतलब यूरोपियन यूनियन या कोई कंट्री हो, पावर उसका अपना होता है, चाहे हाइड्रो पावर से आ रहा हो चाहे विंड मिल से आ रहा हो चाहे कहीं से आ रहा हो, पावर उसका अपना होता है। तो तेल का दाम अप डाउन होने से इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे फ़र्क नहीं पड़ता। बस चलाने में यही झंझट है कि अगर आप बस चला रहे तो एक महीना आपको खूब प्रॉफिट हुआ, दूसरे महीना आप घाटा में चलने लग गए क्योंकि तेल का दाम बढ़ गया। अब उम्मीद कीजिए कि तेल का दाम वापस घट जाए, नहीं तो आपको टिकट का दाम बढ़ाएगा, टिकट का दाम बढ़ाएगा लोग जाना नहीं चाहेंगे, और टिकट का दाम ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते अभी तो जैसे ये मैं बैंगलोर में जहाँ पे एसी बस का मैंने पास लिया था 2500 रुपया लगता है पर मंथ, और सिर्फ एक महीना चलता है, तो आप समझ सकते हैं काफ़ी खर्चा करना पड़ जाता है। और जैसे जैसे तेल का दाम बढ़ते जाएगा उनका या तो उनको टिकट एक रखने के लिए अपना प्रॉफिट घटाना पड़ेगा, नुकसान में चलना पड़ेगा, या मतलब दाम बढ़ाते जाएंगे, तो समझ सकते हैं ये दाम से आपको एक मुक्ति दे देता है कि भैया ठीक है दाम का टेंशन मत लो। तो ट्रॉली बस तो बना तो लिया, आइडिया समझ में आ गया, इसको बिजली और इसका ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, तो आप ये समझिए कि इसके ऊपर दो तार लगाया जाता है। आपको मैंने बताया था कि जैसे कि नॉर्मल में एक ही तार होता है क्योंकि पटरी रिटर्न लाइन का काम कर रहा है, तो यहाँ पे दो तार लगाते हैं, ठीक है वो समस्या सॉल्व हो गया। और दो तार को कलेक्ट करने के लिए जैसे आप ट्रेन में देखते हैं ना एक पेंटाग्राफ ऐसे जाके ऊपर फर्श से लग जाता है, वो पेंटाग्राफ को हम लोग पेंटाग्राफ को बहुत सॉलिड बनाया जाता है, फिक्स बनाया जाता है, तो उसका फ़ायदा भी है लेकिन नुकसान ये है कि इफेक्ट फिक्स्ड है, मतलब अगर आपका बस थोड़ा सा भी दाएं बाएं हुआ वो कनेक्शन टूट जाएगा। तो क्या किया जाता है कि डुअल फ्लेक्सिबल कलेक्टर लगाया जाता है, यानी कि आप देख सकते हैं दो डंडी रहती है और वो फ्लेक्सिबल रहती है, मतलब ऐसे ऐसे जैसे आपका वाइपर घूमता है वैसे वैसे ये घूम सकता है। तो इसका ये इसको इतना बड़ा बनाया जाता है कि जैसे मान लीजिए रोड जो है 3 लेन का है और आपके लेन के कोने मतलब एकदम बीच वाले जो डिवाइडर है 3 लेन का इधर है 3 लेन का इधर है, डिवाइडर पे आपने यहाँ पे ऊपर लाइन का केबल बनाया हुआ है, ठीक है केबल यहाँ से चल रहा है और आपको मान लीजिए इधर एक गाड़ी फंसा हुआ मिल गया, ठीक है आप बगल से निकालना चाहते हैं तो ये वहीं फंसा रहेगा लेकिन आप आराम से इसको बगल से निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये फ्लेक्सिबल होता है। और जनरली ऐसा बनाया जाता है कि जितना चौड़ा रोड है मतलब उस रोड में आप आराम से इधर उधर दाएँ बाएँ कर लीजिए। तो इसमें कितना वोल्टेज रहता है, इसमें वोल्टेज 600 वोल्ट रहता है। अब बोलोगे 600 वोल्ट तो बहुत ज़्यादा नहीं है, जबकि ट्रेन मतलब मेट्रो सब में भी सुनते हैं जो कि थर्ड लाइन रखता है वो भी 1500 वोल्ट रहता है या 6000 वोल्ट रहता है, या जो ट्रेन का है वो 25000 वोल्ट का रहता है, तो यार ये 600 पे क्यों है? आप ये समझिए कि ये जिंदा जगह है, मतलब यहाँ पे लोग चल रहे हैं, यहाँ पे ट्रक चल रहा है, यहाँ पे गाड़ी चल रहा है, तो अगर ये वोल्टेज ज़्यादा रखेंगे तो बिजली का एक आदत होता है जितना वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं वो कूदने लगता है, वो थोड़ा भावनाओं में बह जाता है, वो उछल के बाहर आ जाता है। तो जैसे ये तार है, ठीक है, और प्लस ऐसे भी आपको दो पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो मतलब यहीं से यहीं कूद जाएगा अगर आप बहुत ज़्यादा वोल्टेज बढ़ा दिए, और बहुत ज़्यादा वोल्टेज बढ़ा दिए आप तार को दूर कर दिए, ठीक है, लेकिन मजीद नीचे से कोई ट्रक चल रहा था धड़ाक से उस पर बिजली गिर जाएगी, जैसे उसका मेटल का हिस्सा आएगा धड़ाक से उस पर बिजली गिर जाएगी, शॉर्ट हो जाएगा, इसलिए वोल्टेज बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता, या तो आपको बहुत ऊपर करना है। ट्रेन के केस में आप देखते हैं कितना ऊपर होता है, और उसमें भी हमको ये सोचना पड़ता है कि क्योंकि मतलब
जहाँ जहाँ अंडर ब्रिज है वहाँ पे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, कैसे करें। तो जनरली वोल्टेज आप बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, आप नहीं चाहते कि कोई बच्चा गाड़ी के ऊपर ऐसे, मतलब नॉर्मल गाड़ी बात कर रहा हूँ, ऐसे ऊपर करके ऐसे हाथ कर रहा था और वोल्टेज इतना ज़्यादा था कि कूद के उसको मार दिया, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। तो आप समझिए, इसलिए वोल्टेज नहीं बढ़ा सकते। डीसी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो आप बोलोगे यार डीसी क्यों करते हैं आज के एसी के ज़माने में। तो डीसी के बारे में मैं आपको कहूँगा, आप मेरा ये वीडियो देखिए, फ्यूचर फ्राइडे का है, जिसमें मैंने बताया था कि हाई वोल्टेज डीसी से ही हमारा बिजली इधर से उधर जाएगा। तो ये इसलिए कि डीसी का बहुत सारा फायदा है, ट्रांसमिशन में सबसे बड़ा उसका फायदा भी ये समझिए कि अगर एक जगह से भेज रहे हैं 10 किलोमीटर बाद भी आपका डीसी पहुंच जाता है, एसी नहीं पहुंच पाता है, एसी में एटेन्यूएशन होता है, तो आप भेजते रहते हैं। इसीलिए आप रेलवे में हर कुछ किलोमीटर पर आपको देखेगा एक पावर प्लांट, जो उसको पावर प्लांट बोल रहा हूं, मतलब समझिए ट्रांसमिशन स्टेशन है, जिसमें बिजली डाल रहा है या वोल्टेज को बैलेंस कर रहा है, मतलब तिगड़न लगाया जाता ताकि चल सके। डीसी में वो तिगड़म नहीं होता है। और आप समझिए, जो भी आज का मोटर भी आप लगाते हो, आप जैसे बड़का सा मोटर लगाते हो एसी मोटर, वो एक्चुअली डीसी में ही चल रहा है। तो आप बोले ऐसा कैसे हो रहा है, आप कोई भी स्पीड कंट्रोलर को खोलिएगा तो वो आपको इन्वर्टर ही है, उसके अंदर थ्री फेज इन्वर्टर होता है, और इन्वर्टर जो एसी आ रहा है, सिंगल फेज एसी आ रहा है, उसको वो डीसी में बदल देता है। तो फालतू का वो कन्वर्टर स्टेज को हटा के शांति से ऊपर से ही डीसी ले लो, इसीलिए डीसी इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें जनरली शॉर्ट टर्म के लिए एक ऑक्सिलरी पावर यूनिट लगाया जाता है, जैसे कि ये सब बड़े बड़े वाले आप देख रहे हैं, इसमें तो डीजल जनरेटर पीछे रहता है कि मान लीजिए ऊपर वाला हेड खराब हो गया या इनका पोल खराब हो गया तो ये आराम से चल पाएंगे। और जहाँ पे जनरेटर लगे जाए वहाँ पे बैटरी लगाया जाता है कि एटलीस्ट 500-600 मीटर तक चल सके बिना बैटरी के। मतलब आइडिया ये कि मान लीजिए रोड में आप चल रहे थे और ख़राब हो गया कुछ, आप इसको आराम से रोड के साइड में पार्क कर लीजिए, या आजकल वाले जो नए नए वाले 2010 के बाद जो जो बन रहे हैं उसमें इतना बड़ा बैटरी रहता है कि वो आराम से 10 किलोमीटर तक चल सकते, 10 नहीं कितना 5-6 किलोमीटर तक चलता है। उसका मतलब ये मतलब कि जब आप इसको रिपेयर के लिए ले जा रहे हैं, मतलब इसका जहाँ पे आपको गैराज में पार्क करना है, आपको कोई टेंशन नहीं, आप आराम से पोल हटा लीजिए, आराम से पार्क कर लीजिए। तो काफ़ी तरक्की हो गई है सब में। तो कोई भी चीज़ के बारे में बात करने से पहले उसके अल्टरनेट्स को भी समझना पड़ेगा। तो सब कोई चाहता है कि भैया मेरे शहर में मेट्रो दो, लेकिन लोगों को मेट्रो का दाम का सही समझ नहीं है। मेट्रो का दाम इतना ज़्यादा होता है कि करीब करीब 1 अरब रुपया पर किलोमीटर तक लग जाता है। बोलो यार इतना ज़्यादा कैसे लग जाता है, वो आप ये समझिए ट्रेन तो ऐसे ही महंगा चीज़ है पर किलोमीटर बिछाना। उसके बाद आपको ये जो डेडिकेटेड कॉरिडोर है, जिसे हम लोग कहते हैं एलिवेटेड ट्रैक, ये बनाना बहुत महंगा पड़ता है। मतलब समझिए सरकार को ये ज़मीन खरीदना है जहाँ पे आप ये अपना ऊपर कर रहे हैं, अगर नीचे भी कर रहे हैं ज़मीन का उसको एलोटेशन देखना पड़ेगा कि कोई और सुरंग नहीं है, कोई अंडरग्राउंड पाइप सिस्टम नहीं चल रहा है, मतलब जो जो चीज़ है उसको देखना है। सुरंग का दाम तो छोड़ ही देना, वो बहुत महंगा पड़ता है। तो ये सब का दाम के मामले में सोचना नहीं, और ये सब कई कई जगह पे इतने महंगे बनते हैं कि अगर ये नुकसान में चल रहे हैं तो भी इसको बंद नहीं किया जाएगा क्योंकि इतना खर्च हो चुका है। तो जैसे हैदराबाद का जो मेट्रो है, जो कि एकदम प्रॉफिटेबल नहीं दे रहा है, मतलब सिर्फ 10-20 हज़ार लोग उसको डेली इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब उससे भी थोड़ा ज़्यादा है लेकिन वो काफ़ी नहीं है। कई लाख लोग अगर इस्तेमाल करें, कई लाख ऐसे करोड़ के आसपास लोग इस्तेमाल करें डेली, तभी जाके ये प्रॉफिट देता है, क्योंकि ये बहुत महंगा है, अंधेर जैसा ये महंगा सिस्टम है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है वो मेट्रो चाहिए मेट्रो चाहिए, और मेट्रो बनाने के लिए आपको पहले से भविष्य पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे कि बैंगलोर में जब मेट्रो बना तो एयरपोर्ट के लिए उन्होंने सोच के रखा था कि नहीं नहीं एयरपोर्ट के लिए, सॉल्ट लेक सिटी कितना बड़ा हो जाएगा ये उनको नहीं पता था, बहुत सारे और सारे टेक पार्क हैं जो बहुत बड़ा हो गया, मतलब जिस टाइम मेट्रो का प्लान बनाया जा रहा था उस टाइम वो सब स्टार्ट ही हुआ था, तो उतना कोई सीरियसली लिया नहीं, लेकिन इतना बड़ा हो गया कि कई हज़ार लोग, मतलब 10-20 हज़ार लोग प्रति घंटे आते जाते रहते हैं वहाँ पे। तो आप समझिए कि उतने ज़्यादा लोगों को तो सर्व करने के लिए मेट्रो चाहिए। तो मेट्रो आप जानोगे कैसे, बनाने से पहले आप जानोगे कैसे कि कहाँ जाना है? तो आप बोलोगे ठीक है मैं ये डेडिकेटेड कॉरिडोर हटा देता हूँ, और मेट्रो का जो बेनिफिट है कि मतलब टिकट कम होता है क्योंकि वो चलाने की एनर्जी कम होती है, और ये समझिए इसको मेगा राइडरशिप चाहिए, कहीं पे भी किसी भी शहर में अगर कई करोड़ लोग से कम इसका इस्तेमाल करेंगे बंद हो जाएगा, बंद मतलब घाटा में चलने लगेगा। दिल्ली में भी काफ़ी शुरू के कई साल तक हुआ था। तो ट्राम आप क्यों ना कर ले, ट्राम भी ये समझिए ट्राम का पटरी इससे महंगा पड़ता है, मतलब आपका ये वाला पटरी से ट्राम ये महंगा पड़ रहा है, क्योंकि ट्राम जो बनाया गया, मैंने नीचे वीडियो दिखाया कि ट्राम पटरी कैसे बनाया जाता है, तो आप उसको देखिए ट्राम में बहुत खर्च पड़ता है, और ऊपर से स्पीड नहीं चलाने देते क्योंकि पटरी बदल नहीं सकते, ऐसा नहीं कि आपको खाली रोड नहीं मिलेगा या सीधा रोड नहीं मिलेगा, आपको सब मिलेगा, लेकिन आपको ट्राम को बनाया ही नहीं जाता कि ज़्यादा स्पीड पे चले, इसलिए नहीं कि पटरी नहीं संभालता है, क्योंकि पटरी खराब हो जाएगा, मतलब हर इसका भी पटरी बदला जाता है 50-60 साल के अंदर बदलते रहते हैं, उसमें आप बदल नहीं सकते। कलकत्ता में जो ट्राम का जो पटरी है वो बहुत पुराना है, मतलब एकदम आदम जमाने का वही चल रहा है, इसमें बदलना बहुत मुश्किल है, कुछ भी डैमेज हुआ रिपेयर नहीं है, तो उसके स्पीड कम कर दिया जाता है। तो ट्राम भी बहुत महंगा, हाँ मेट्रो जितना महंगा नहीं क्योंकि इसके लिए आप ज़मीन नहीं खरीद रहे, ये रोड में ही आप लगा रहे हो, ज़मीन नहीं खरीद रहे हो।
लेकिन इसको भी काफ़ी लार्ज राइडरशिप चाहिए, मतलब काफ़ी लाख लोग इसको इस्तेमाल करें तभी इसका इस्तेमाल मतलब सही से चल पाएगा। तो आप बोले कितने लाख, आपको एक आइडिया देता हूँ कि इंडिया में जो आखिरी ट्राम सिस्टम बचा हुआ है यानी कलकत्ता का टुन टुन जो बचा हुआ है उसमें 2 लाख लोग से ज़्यादा लोग डेली इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद भी उसको बंद करने पे बात आ गई है। और कई कई जगह पे पटरी तो हटा दिए गए हैं, मतलब लाइन आपको ऊपर दिख जाएगा लेकिन पटरी नीचे नहीं दिखेगा क्योंकि बंद कर दिया गया है। तब समझ लीजिए बहुत ज़्यादा लोग चाहिए। तो अब बोलोगे यार ठीक है इतना तिगड़म पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छी बात होती है, बस में चलना अच्छा बात होती है, रोड अनंत नहीं है, अब सबके सब लोग गाड़ी खरीद तो सकते हैं लेकिन सबके सब लोग गाड़ी चलाएंगे कहाँ, तो इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़रूरी है, तो बस सबसे बढ़िया आइडिया। तो इलेक्ट्रिक बस क्यों ना इस्तेमाल करें, तो सबसे पहले ये समझिए इलेक्ट्रिक बस का दाम अगर आप अभी देखने चाहिएगा, लिंक मैं दे देता हूँ, दाम तो सीधे सीधे कोई बताता भी नहीं और कई लाख करोड़ का आता है, मतलब बहुत महंगा होता है। दाम के बारे में सोचिए, नॉर्मल बस यहाँ है तो इलेक्ट्रिक बस 3 गुना महंगा होता है। और आप बोले नहीं तेल का दाम मतलब तेल का खर्च नहीं कर रहा है तो दाम बच जाएगा, बात सही है, बात पूरी तरह से, लेकिन वो बहुत भारी होता है। और ये भारी होने से आप ये समझिए कि अगर आप एक इलेक्ट्रिक मोटर का वजन देखना चाहेंगे वो बहुत कम होता है, मतलब आप जैसे बोलिए कि मेरे बस को 100 हॉर्स पावर का मोटर चाहिए, बहुत हल्का वो मोटर आप इतना हल्का हो सकता है कि आप उठा सकते हैं हाथ से, 100 हॉर्स पावर का इंजन को उठाने की कोशिश मत कीजिएगा, ऊपर चले जाइएगा। तो आप समझ लीजिए कि मोटर का वजन तो नहीं होता लेकिन उस मोटर को ऊर्जा अगर आप ऊपर से ना ला के दे रहे हैं, मतलब ओवरहेड वायर से ना दे रहे हैं, अगर आप उस ऊर्जा को सीधे सीधे देना चाह रहे हैं कि भैया ठीक है हम इसको बैटरी से देते हैं, वो बैटरी बहुत बड़ा हो जाता है। आपको एक आइडिया देने के लिए कि बैटरी की बात जो मैं कर रहा हूँ कितना भारी होता है, जनरली एक नैनो या हल्के फुल्के गाड़ी के बारे में जो आम आदमी खरीदते हैं उसमें जनरली 200 से 500 किलो तक को रखा जाता है कि इंजन के लिए रहे, और 500 किलो वाला इंजन बहुत तगड़ा होता है। तो बैटरी वाली गाड़ी में जो मोटर है वो तो बहुत हल्का है, वो तो 60-70 किलो का ले से लेके 300 किलो तक, 300 क्या बहुत, 300 तो बहुत हो गया, मतलब मोटर बहुत हल्का है। बैटरी जो है आधा टन का बैटरी है और वो सिर्फ कार के लिए, बस के लिए जो बैटरी बनते हैं वो 3 से 4 से 10 टन तक के बैटरी बन जाते हैं। और बैटरी में एक प्रॉब्लम है जैसे साइकिलिंग कहते हैं, साइकिलिंग का मतलब होता है जितनी बार उसमें इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा यानी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग साइकिल हो रहा है, फर्क नहीं पड़ता पैसे चार 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 के वो डायरेक्शन बदल रहा है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन बदला वो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग हो जाएगा। तो इस कारण से जनरली लोग चाहते हैं कि ठीक है रात को इसको चार्ज करें और दिन भर वो डिस्चार्ज होता रहेगा, और डिस्चार्ज में ये फर्क नहीं पड़ता आप मोटर चला रहे तो ही डिस्चार्ज हो रहा है, वो डिस्चार्ज हो रहा है कंटिन्यूसली, जब आप मोटर चला रहे हैं उससे तो ज़्यादा स्पीड से डिस्चार्ज हो रहा है। तो जनरली कोशिश किया जाएगा कि कम से कम डिस्चार्ज मतलब साइकिल कम रखा जाए। अब प्रॉब्लम ये हो जाता है कि बैटरी वाले में आजकल रीजनरेटिव ब्रेकिंग दी जाती है, ठीक है बहुत बढ़िया है कि जब आप ब्रेक लगा रहे हो ऊर्जा वापस आ जाए लेकिन आपका डायरेक्शन चेंज हो गया, अब बैटरी का साइकिल जल्दी जल्दी खत्म होगा, मतलब आप जितनी बार ब्रेक मार रहे हैं उसका साइकिल खत्म होते जा रहा है, और 3,000 से 6,000 साइकिल तक ही आता है बैटरी। तो समझ लीजिए कुछ साल में ही आपको बैटरी बदलना पड़ेगा, आपका पूरा गाड़ी सही रहेगा लेकिन बैटरी आपको बदलना पड़ेगा, और प्लस वो गाड़ी भी ज़्यादा नहीं चलेगी क्योंकि बहुत भारी वजन उसका सेंटर में पड़ा हुआ है, तो उसका ब्रेक जल्दी घिसेगा, उसका टायर जल्दी घिसेगा, उसका एक्सल पे ज़्यादा लोड रहेगा, मतलब 70-80 किलो के पर हेड आप दीजिएगा तो आपको 10-12 लोग मान लीजिए कि बस में चल रहे हैं, तो आप बैटरी आपका आदमी का वजन से ज़्यादा अपना ही वजन को घसीट रहा है। तो इस कारण से बैटरी अभी ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोग एकदम कुछ ऐसा लेंगे जिससे आपका बैटरी का बस बनाया जा सके। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि अभी इसका कुछ किया नहीं जा सकता। तो भविष्य में क्या होगा इसको आप ऐसे देखिए कि हम लोग आसान सोल्यूशन ये आज का है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आज किया जा सकता है, आज इसमें काम कर सकते हैं, और ये एक स्टॉप गैप मैजिक है। जब भविष्य का बैटरी आएगा जो खूब ज़्यादा पावर खूब हल्के में दे पाएगा तब उसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आज क्या करेंगे, आज ये कर सकते हैं। दूसरा इसको एक और चीज़ के साथ जोड़ा जा सकता है जिसे हम लोग कहते हैं गाइडेड बस। गाइडेड बस ऐसा होता है, मैं लिंक दे देता हूँ नीचे, मतलब ये समझिए कि स्टीयरिंग व्हील के बगल में एक चक्का लगाया जाता है जिससे आपको ड्राइवर को कुछ चलाना नहीं पड़ेगा, तो गाइडेड बस में जैसे चढ़ा दिया उसके बाद उसको हाथ फटा लेना है स्टीयरिंग से। तो गाइडेड बस लॉन्ग रेंज के लिए बहुत अच्छा हो जाता है, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा शहर है उससे छोटा शहर जो कई हज़ार लोग आते जाते हैं उसके लिए आप गाइडेड बस बना दीजिए, शहर के बीच से एयरपोर्ट तक जाने आने के लिए आप गाइडेड बस बना लीजिए, तो इससे लोगों को भरोसा हो जाएगा ट्रैफिक एकदम, मतलब ट्रैफिक से इसका कोई लेना देना नहीं है और एकदम फिक्स है, कंटिन्यूसली चलता रहेगा 24 घंटे, दाम भी कम पड़ जाएगा, और ये सब ट्रैक का दाम कोई महंगा नहीं है, सिर्फ सीमेंट से बनाया जाता है, कोई फैंसी चीज़ नहीं है। तो ये चीज़ करके भविष्य में आज किया जा सकता है, मतलब आज आप गाड़ी खोलिए तो कल तैयार हो जाएगा ये सिस्टम, मतलब मेट्रो जैसा नहीं है कि 12 साल से इसका काम चल रहा है या 20 साल से काम चल रहा है, ये सब मतलब 3-4 साल के अंदर ये सब सिस्टम चालू किया जा सकता है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन ट्रॉली बस के बारे में, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला हो, अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं लगा कोई बात नहीं, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, मैं कहूँगा कि आप कमेंट लिखे कि अगले एपिसोड में आप क्या देखना चाहेंगे, और आपसे अर्ज करता हूँ, आपसे विनती करता हूँ कि आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप फ्री हैं तो घंटी बजा दीजिए, आपने मेरा वीडियो देखा ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई, धन्यवाद।